विद्या जी, आपने शांति हीरानंद जी से भी संगीत की तालीम ली है और शांति जी जैसे सहज कलाकार मैंने कम ही देखे हैं। एक गुरु के तौर पर आप शांति जी को कैसे याद करती हैं? और शांति जी को जानना यानी परोक्ष तौर पर, अपरोक्ष तौर पर बेगम अख्तर को भी जानना, तो कुछ बेगम साहिबा का भी सुनते चलें। जी बिल्कुल, शांति जी के साथ मैं यहाँ दिल्ली में एक जानी मानी जगह है कलाकारों के लिए, खास त्रिवेणी कला संगम, वहाँ पे मैं उनसे संगीत सीखने जाया करती थी। और मुझे याद है कि दूसरी मंजिल, बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे कमरा होता था जहाँ शांति जी क्लास लिया करती थी। और सुबह 9 बजे या 10 बजे मेरा स्लॉट होता था, मैं वहाँ पहुँचती थी और बिल्कुल टाइम पे आती थी शांति जी, और अक्सर स्विम करके आया करती थी जिमखाना क्लब से। और फॉर समवन जो काफ़ी काफ़ी सीनियर थी, एक्सरसाइज में बहुत विश्वास करती थी और बहुत रेगुलर थी अपने स्विम के साथ, खासकर गर्मी के दिनों में। और आके अपना हारमोनियम निकालना, और जो तबला वादक आते थे वो अपना तबला निकालते थे, हम लोग तानपुरा निकालते थे, ट्यून करते थे। और ये एक भूमिका बनना शुरू होती थी उस दुनिया में घुस जाने की। और ये वो दुनिया, महफिलों की दुनिया, जहाँ कई बड़ी नायाब गायिकाएं आके, बाइयाँ और बड़े ठुमरी दादरा गाने वाली कलाकारा आके गा के जा चुकी हैं, उन्हीं चीज़ों को हम वहाँ याद कर रहे हैं एक कम्प्लीटली अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका अपना एक बहुत, एक क्या कहें, ऑलमोस्ट एक रोमांटिक मज़ा होता था, क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं और खमाज में कोई चीज़ ऐसे ही गा रहे हैं, कोई ठुमरी आप सीख रहे हैं कि भाई देखे बिना नहीं चैन सुरतिया। तो उसका फिर उसको किस तरह से आप निभा सकते हैं, कि किस किस तरह से आप तड़प रहे हैं कि आपने सुरतिया नहीं देखी है। तो ये एक अलग ही दुनिया थी मेरे लिए। और इस दुनिया में एक 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 स्ट्रगल दिखता था, एक पेन था, एक दर्द था, और खुशी भी थी, और एक लाइटनेस भी था। तो ये जो सब एक नया सिलसिला मेरे लिए जब शुरू हुआ, तो संगीत की गंभीरता को ना हटाते हुए, संगीत तो उतना ही गंभीर है जिस भी शैली में आप गा लें, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ एक रस है, उसमें जो फर्क आ जाता है, वो मैंने एक तरह से महसूस किया शांति जी की क्लास में आके। और मेरे लिए बहुत बहुत मज़ेदार साल रहे ये, जब उनके साथ बैठ के न सिर्फ गाना होता था, बातचीत भी होती थी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो गुरु शिष्य का मामला है, इसमें और जो बारीकियां हैं, जो रहस्य हैं, वो रहस्य सिर्फ एक शिष्य को कभी कभी मिल जाती हैं, उसकी झलक मिलती है। तो कभी कभी बड़े मज़ेदार किस्से भी होते थे कि भाई कोई अचार का किस्सा होता था, कोई समोसे के किस्से होते थे, या फिर कोई आने वाला है तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, इस तरह के भी किस्से होते थे। तो एक नटखटपना जो अख्तरी बेगम अख्तर का था, या फिर उनकी जो एक खुद मुख्तारी थी, तो ये जो उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलू, उनकी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू, ये शांति जी से बड़े करीब से सुनने को मिला। और इतना एक करीबी एक उनका रिश्ता रहा बेगम अख्तर के साथ, कि जब भी वो इस तरह की चीज़ें शेयर करती थी क्लास में, एक तरह से बेगम अख्तर का यूं मानी कि बस साक्षात्कार ही हो जाता था क्लास में। जी, शांति जी से सीखने का मौका मिला तो कई सारी उन्होंने बेगम अख्तर की ही गाई हुई चीज़ें हमें सिखाई। और ये शांति जी के लिए एक बात, मुझे हमेशा ये बात मुझे लगती थी, महसूस होती थी कि कितना बड़ा दिल था उनका। और कभी ये नहीं था कि आप उनसे कभी भी कह दीजिए कि शांति जी आज ये कर ले क्या, ये गज़ल कर ले क्या, ये गज़ल हो जाए, कभी ऐसा हुआ हो कि कभी नहीं मना करती थी। तो मेरे ख्याल में एक गुरु का इतना बड़ा दिल होना एक शिष्य के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। खैर, मीर साहब का एक कलाम सुना रही हूँ। उल्टी हो गई
सब तदवीरे, कुछ न दवाने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया, उल्टे हो गए सब तदवीरे, अहदे जवानी रात बहुत थे जागे, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया, उल्टे हो गई सब तदबीरे, यहाँ की सपीदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, यहाँ के सपीदो स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया है, दिन को जो त्यो शाम किया, देखा इस बीमारे आखिर काम तमाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरे, मीर के दीनों मजहब को पूछते क्या हो, उनने तो कश का खींचा, देर में बैठा कब का तर इस्लाम किया, उल्टी हो गई सब तदबीर, अच्छा विद्या जी आपका आपका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था और मुझे लगता है कि शायद रागगिरी का जो पूरा का पूरा मुहिम है, रागगिरी जो हमारी संस्था है, वो दोनों उस बात पर बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत एक जैसी सोच रखते हैं। आपका भी कहना है कि जो कल्चरल और सोशल इश्यूज हैं उनको अलग नहीं रखा जा सकता, और हम भी अक्सर ऐसे प्रयास करते हैं जहां हम कहते हैं कि संगीत से बड़ी हीलिंग पावर तो कोई है ही नहीं है, और हम जाते हैं छोटे स्कूलों में, ओल्ड एज होम में, कैंसर सेंटर्स पे, और वहां पर संगीत के जरिए कोशिश करते हैं सकारात्मकता की। तो ये जो आपका एक सामाजिक पहलू है इसके बारे में जरूर बताइए। बड़ी खुशी हुई सुन के कि आप रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म से और भी इतने ज्यादा सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, ये तो खैर आज के माहौल की बहुत जरूरत भी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना ज्यादा सब कुछ निभा रहे हैं। जहां तक कि मेरी खुद की समझ है, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि संगीत और समाज ये कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं। आप ऐतिहासिक तौर पे भी देखेंगे तो एक ज़माने में एक प्रकार का संगीत ज़्यादा चला हुआ था, दूसरे ज़माने में दूसरा, और अब कुछ और। इसकी वजह ये भी है कि संगीत, समाज और मार्केट, ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमेशा घुल मिल के ही चलती हैं। तो संगीत का अपना एक, ये तो अलग है ही कि सामाजिक काम लोग करने चाहिए, पर उसके अलावा भी संगीत भी अपनी जगह एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी निभाती है।
कहने का मतलब ये है कि जब हम संगीत सुनने जाते हैं, हमको जो भी जिस भी किस्म का संगीत पसंद हो, फिल्मी हो, रॉक म्यूजिक हो, शास्त्रीय संगीत हो, शास्त्रीय में ध्रुपद हो, ठुमरी हो, जो भी, जब हम किसी भी प्रकार का संगीत सुनते हैं उसमें एक इमोशनल एहसास महसूस करते हैं। तो किसी के लिए वो सुकून हो सकता है, किसी के लिए खुशी हो सकती है, किसी को वो नाचने पे मजबूर कर देता है और नाचने से उनको जो एक उनकी शरीर की थकान जो है, जो एक मानसिक थकान जो है वो निकल जाती है, वगैरह वगैरह कई रिएक्शंस हो सकते हैं संगीत के लिए। और ये बात कि हर किसी को संगीत से कुछ ना कुछ मिलता है, संगीत के साथ अपना एक निजी रिश्ता होता है, अपना एक जुड़ाव होता है, मेरे ख्याल में ये इस बात को, इस बात की संजीदगी को, इस बात की सीरियसनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि समाज अपनी तरफ से कई सारी परेशानियां पेश करता ही है एक इंसान को अपने ज़िंदगी के दौरान। हर किसी की कहानी में कुछ ना कुछ अड़बड़ छड़बड़ तो चलता ही रहता है। तो ऐसे माहौल में क्या हम संगीत को या तो सिर्फ फेस्टिवल्स वाले प्लेटफॉर्म में देखें या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले प्लेटफॉर्म में देखें, उसका और कहीं ज़्यादा, और मैं बहुत सोच समझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका कहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस तरह से कि लोग उससे एक पीस महसूस करें, है ना, अपने निजी तौर पर, अपने पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बेशक, लेकिन संगीत को और मेरा ख्याल में सीरियसली लेना चाहिए और उसको उस हिसाब से पेट्रोनाइज भी करना चाहिए। विद्या जी, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले मेरी एक व्यक्तिगत गुजारिश है और वो मुझे बहुत पसंद है। वो एक ऐसी चीज मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ जिसको भारत के हर बड़े कलाकार ने गाया है, लेकिन आपसे भी सुनना चाहेंगे, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। बाबुल मोरा कई विद्वानों ने गाया है इसको, खूबसूरत चीज है, जबरदस्त फरमाइश है आपकी। वहां Yeah.
विद्या, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप रागगिरी से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मजा तो आया लेकिन आप, मैं थोड़ा सा नर्वस आ भी गई थी क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से सवाल जो है खुरेद के लेके आए हैं, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सब मुहिमों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।